भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के पूजा पाठ से जल्द ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह पूजन विधिवत किया जाना जरूरी होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी का माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ की खास पूजा की जाती है। कहते हैं व्यक्ति अगर भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी चढ़ाता है तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने का विशेष महत्व है। कई वस्तुएं ऐसी भी बताई गई है जिन्हें अर्पित करने से भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकलिटिन की टीम को बताया कि शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से आरोग्य प्राप्त होता है, वहीं कुछ को अर्पित करने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से कि महादेव को कौन सी वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन अभिषेक करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख शांति समृद्धि दीर्घायु संतान लाभ विद्या लाभ इत्यादि की प्राप्ति होती है। एक लोटा जल भी यदि भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो भगवान शिव से हमको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किंतु यदि हम प्रायोगिक दृष्टि से देखें तो शिव जी को अलग अलग पदार्थ चढ़ाने से हमको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम भगवान शिव का यदि दूध से अभिषेक करते हैं तो आरोग्यता, वंश वृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को दही समर्पित करते हैं या दही से अभिषेक करते हैं तो चर्म रोग समाप्त होते हैं, शत्रु बाधा का निवारण होता है, वाहन सुख और पशु सुख की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। शक्कर से भगवान का अभिषेक करें या शक्कर मिश्रित जल से भगवान का हम अभिषेक करते हैं तो पुत्र की इच्छा पूर्ण होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रमेह रोग की भी शांति होती है। शुद्ध घी से आरोग्यता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बुद्धि की जड़ता को यदि दूर करना है, यदि किसी बच्चे में कम बुद्धि है या पढ़ाई इत्यादि में उसका मन नहीं लग रहा है तो ऐसे में उस बालक के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक शक्कर मिश्रित दुग्ध से कराना चाहिए। जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो वृष्टि की प्राप्ति होती है। व्याधियों की शांति के लिए कुशोदक से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गुलाब जल से इत्र सुगंधित पदार्थों से हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो यश कीर्ति सम्मान और धर्म की हमको प्राप्ति होती है। केसर से केसर मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करने से वैवाहिक सुख की हमको प्राप्ति होती है। फलों के रस से आंवले का रस हो, अनार का रस हो, जो भी फल है संतरे का रस हो, मौसम्बी का रस हो, इनके रस से यदि हम अभिषेक करते हैं तो रूप सौंदर्य और दीर्घायु की हमको प्राप्ति होती है। धान्य चावल या गेहूं से भगवान का अभिषेक करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है और तिल भगवान को समर्पित करने से समस्त प्रकार के संकट नाश होते हैं। और विभिन्न पवित्र नदियों का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या संगम का जल या समुद्र के जल इत्यादि पवित्र स्थानों के जल से भगवान का अभिषेक करने से हमको मोक्ष की और सत्य लोक की प्राप्ति होती है। लोकलिटिन नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।